नमो चाय का स्टॉल लगाया हुआ है और ये हमारी खुशी जाहिर करने का एक तरीका है। आपने देखा कि जिस तरह से वक्त का बदलाव कह के और जो झूठ और फरेब की जो सरकार बनाई थी कांग्रेसियों ने, आज वो इमारत जो है वो एक तरह से कह सकते हैं कि ढह चुकी है, क्योंकि मोदी जी का जिस तरह से प्रचंड बहुमत मिलना आज ये सिद्ध करता है कि जो बहुत सारी झूठी बातें कि किसानों का ऋण माफ़ करेंगे, महिलाओं को स्मार्टफोन देंगे, युवाओं को अन्न लालच दिया, लेकिन 6 महीने में ही उनकी कलई खुल गई कि वो कुछ नहीं कर रहे हैं। और छतरपुर विधानसभा की अगर बात करें तो आप देखिए कि मात्र 2700 से मैंने चुनाव अपना विधानसभा का हारा था, लेकिन आज 53,000 वोटों से भी अधिक विधानसभा से हम जीत के आए हैं। तो ये एक मुँह में करारा जवाब है उन लोगों के लिए जो जिन्होंने झूठ और फरेब की जो सरकार बनाई थी। आज आप देख सकते हैं कि छतरपुर में लाइट नहीं है, आज आप देख सकते हैं किस तरह से जो वादे किए थे उनसे वो मुकरते जा रहे हैं, वो कुछ पूरे नहीं कर रहे हैं। तो 6 महीने के ही इस छोटे से अंतराल में लोगों ने एक अच्छा जवाब दिया है कांग्रेसियों को। और आप देखें वीरेंद्र भाई साहब की जिस कदर यहाँ से जीत हुई है, चाहे छतरपुर विधानसभा को ले लीजिए, चाहे लोकसभा को ले लीजिए, कांग्रेसियों को एक अच्छा जवाब मिला है। मैं तो यही कहूँगी कि वीरेंद्र भाई साहब जिस तरह से पहले ईमानदारी से उन्होंने काम किया है अपने इस क्षेत्र के लिए, आगे भी करते रहेंगे, हमेशा करते रहेंगे। और मोदी जी पुनः जो प्रधानमंत्री बन के आ रहे हैं, साफ साफ जाहिर हो रहा है कि देश जो है वो देशभक्ति की तरफ है, राष्ट्र निर्माण की तरफ है। बहुत बहुत मैं सभी अपने कार्यकर्ताओं को बधाई और शुभकामनाएं देती हूं। जिस तरह से विधानसभा जीती है तो आप मानते हैं कांग्रेस को सीरियस नकार दिया लोगों ने? बिल्कुल नकारा है, बिल्कुल, क्योंकि आप देख सकते हैं कि मैं 2700 वोटों से चुनाव हार गई थी और आज 54,000 वोट ज्यादा वोटों से भाई साहब जीत के आए हैं। क्या लगता है कांग्रेस की सरकार गिर सकती है? ये इसमें मैं अपनी कोई अभी टिप्पणी नहीं देना चाहूंगी, लेकिन आप देख सकते हैं किस तरह से जनता ने कांग्रेस को आज नकारा है। आज हम लोग माननीय मोदी जी की जो जीत हुई है पूरे देश में, आज लहर है माननीय मोदी जी की, उसी लहर के चलते आज पूरे देश में बीजेपी मय हो गया है पूरा देश। और
जिस तरह से माननीय मोदी जी ने ये जीत दर्ज की है, वास्तव में देश की जनता ने ये बता दिया है कि अब परिवारवाद और जातिवाद नहीं चलेगा। यहाँ पर अगर चलना है तो सिर्फ राष्ट्रवाद और विकासवाद चलेगा, ये जनता ने आज निश्चित कर दिया है। इसलिए जो नेता हैं, जो पार्टियां हैं, उन्हें ये सोचना चाहिए कि अगर वो राष्ट्रवाद की बात नहीं करेंगे तो इसी तरह से उन्हें हार मिलती रहेगी। आज मैं पूरे देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, और हमारे जो बजरंग सेना की टीम है जिन्होंने 15 से 20 प्रदेशों में लगातार प्रयास किया और प्रचार किया मोदी जी का।